हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैट किचन। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए सुबह लंच बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है, घर के ही कुछ देसी मसालों से मैंने ये बनाया है। तो मैंने यहाँ तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुकर में आलू को बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, और यहाँ पर मैंने दूसरी साइड गोभी को कट करके मैंने उसे फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो हमारी गोभियाँ फ्राई हो ही गई हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में मैंने फिर से ऑयल डाल के मैंने 5 फ़ोरन और जीरा डाल दिया है, और एक सूखी लाल मिर्च डाल दी और 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। ये मसाले जब पक जाएंगे तो मैं यहीं पे प्याज डाल दूँगी। तो ये मसाले अभी पक गए हैं, तो मैं यहाँ पर कटी हुई प्याज डाल दूँगी, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और अब हम इसे इस प्याज को फ्राई करेंगे, इसे लाल होने तक इसे फ्राई करेंगे। फिर मैंने यहीं पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। फिर मैंने उसे 1 मिनट तक फ्राई किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, फिर हल्दी 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है, और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। तो मैं इन सभी को मिलाकर फ्राई कर लूँगी। तो हमारे मसाले सूखे मसाले थे, तो वो जल ना जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ किया है। तो हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं, तो मैंने यहीं पे मटर छील के जो रखे थे वो उसे मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इस मटर को हम मसाले के साथ कुछ देर फ्राई करेंगे, 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमारे मटर मसाले के साथ फ्राई हो गए हैं। तो मैंने जो आलू बॉईल करके रखा है उसे मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। तो अब हम मसालों के साथ तो आलू को भी फ्राई कर लेंगे। जो भी बड़े बड़े पीसेस हैं उसे मैंने थोड़े थोड़े छोटे कर लिए हैं कट करके। तो अब ये हमारे आलू और मटर मसाले के साथ फ्राई हो गए हैं। तो अब मैंने जो गोभी को फ्राई करके रखा था उसे भी हम यहीं पर डाल देंगे। तो इसे डालकर भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे, इसे पकाएंगे ढककर। तो हमारी गोभी भी फ्राई हो गई है। तो मैंने यहाँ पे चला लिया है फिर से। तो अब मैंने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे पानी को थोड़ा बॉईल कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो गर्म पानी से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे इसे मिला लेंगे पानी डालकर। तो अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी पक गई है। हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हम इसे रखेंगे। आप जितना चाहें ग्रेवी रख सकते हैं। मैं इसे चावल के साथ रोटी के साथ खाऊंगी, इसलिए मैं इसे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रख रही हूँ। तो अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का गर्म मसाला पाउडर यूज़ किया है, और हम यहीं पर कस्तूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके, और उसमें धनिया पाउडर जो मैंने धनिया पत्ता कट करके रखा है उससे हम गार्निशिंग कर देंगे, और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो हमारी रोटी बना के फिर मैं इसे सर्व करती हूँ। तो हमारी रोटियाँ बन गई हैं, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, आप इसे लंच में भी अपने हस्बैंड को या बच्चों को दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं ये लंच, लेकिन मानिए उनको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने इसे कुछ ही घर के ही कुछ मसाले बेसिक मसाले से मैंने इसे बनाया है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें।